हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज मैं आया हूँ सिट्रन के शोरूम में, जो कि है गुड़गांव हुड्डा सिटी सेंटर के पास। तो सिट्रन की एक नई गाड़ी आई है, सिट्रन C3। तो चलो मैं आपको पूरी गाड़ी दिखाता हूँ और क्या क्या फीचर है और क्या क्या बेनिफिट है सब चीज़ें आपको। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाड़ी के फ्रंट से। फ्रंट में आप देखोगे तो इसमें ड्यूल DRL है, स्प्लिट DRL है, एक ये वाला एक ये वाला। डे रनिंग LED है और साथ में है ये हेलोजन बल्ब येलो कलर में। और नीचे भी आप देख सकते हो येलो कलर का हेलोजन बल्ब है फोग लैंप के अंदर। और सबसे मेन चीज़ सिट्रन में ये चीज़ ऊपर करी जा रही है, ये ऑरेंज कलर का एलिमेंट है। ये बम्पर में इस साइड भी है, आप देख सकते हो इस साइड भी, दोनों साइड है। और इवन जो रूफ है वो भी ऑरेंज कलर की है। और ये एलिमेंट है ऑरेंज कलर का, ये इवन आप राइट साइड में भी देख सकते हो और लेफ्ट साइड में भी देख सकते हो। गाड़ी की बात की जाए तो गाड़ी की फ्रंट ग्रिल है जो वो टिपिकल सिट्रन के लोगो डिज़ाइन से बेस्ड है। आप देख सकते हो सिट्रन का जो लोगो है वो भी ऐसे, ये ग्रिल भी उसी पे बेस्ड है। यह तो हो गया फ्रंट का व्यू। तो चलो अब चलते हैं राइट साइड के। राइट साइड की बात की जाए तो टायर साइज़ है 15 इंच का। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए, ग्राउंड क्लियरेंस है 180 mm। साइड में भी जैसे मैंने आपको बताया था, ये एलिमेंट है ऑरेंज कलर का इस साइड। इवन ये ड्यूल टोन कलर में आती है, जिसमें आप दो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, या तो अपने हिसाब से ब्लैक भी ले सकते हो या ऑरेंज भी ले सकते हो। ये वाला है ऑरेंज, जैसे आप देख सकते हो साइड मिरर है वो भी ऑरेंज है, रूफ इज ऑल्सो ऑरेंज कलर, साइड एलिमेंट वो भी ऑरेंज कलर का, और रूफ रेल है वो है ब्लैक कलर की। एंटीना है इस वाले सिंपल डिज़ाइन का। पीछे की साइड भी आप देख सकते हो कि स्टिकर डिज़ाइनिंग वगैरह काफ़ी बढ़िया है गाड़ी में। और ये है टेल लाइट, टेल लाइट भी काफ़ी बढ़िया लुक में दी गई है गाड़ी में। और पीछे से लुक और दिखा देते हैं आपको गाड़ी की, आप देख सकते हो ये है पीछे से लुक गाड़ी की। पीछे बम्पर में लगे हुए हैं दो पार्किंग सेंसर लगे हुए हैं गाड़ी में। और बात करें बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस है इसमें 315 लीटर का, आप देख सकते हो बूट स्पेस है 315 लीटर का। स्पेयर व्हील भी है नीचे और बाकी एसेसरीज जो गाड़ी के साथ आती है वो है। और इवन इसमें हुक्स भी है साइड में, जो आपको एज पर योर कन्वीनियंस आप यूज़ कर सकते हो। चलो डिग्गी को करते हैं क्लोज, अब चलते हैं लेफ्ट साइड एरिया में। तो लेफ्ट साइड एरिया में फ्यूल टैंक की बात करें, फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 30 लीटर की। ये एलिमेंट मैंने आपको बताया था ये है। और इवन आप कार में है ना, इफ़ यू वॉन्ट तो आप अलॉय व्हील्स का ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो। उसके लिए आपको एसेसरीज में एसेसरी डिपार्टमेंट में बात करनी पड़ेगी, वो आप चूज़ कर सकते हो, अलॉय भी परचेज कर सकते हो। अभी तो आप सिंपल देख सकते हो व्हील कवर पेज। तो चलो ये तो हो गई गाड़ी के एक्सटीरियर की बात, अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। आगे तो गाइस अब आ गए हम गाड़ी के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा सेकंड रो गाड़ी की। तो सेकंड रो की बात करें तो सीटिंग का आप देख सकते हो गाड़ी में काफ़ी स्पेस है, तीन बंदे तो बिल्कुल आराम से बैठ सकते हैं, तो ये चीज़ काफ़ी बड़ी। और इवन आप सीट का कंफर्ट देखोगे ना, सीट का कंफर्ट भी काफ़ी बढ़िया, सीट की क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया दे रखी है और कंफर्ट भी काफ़ी बढ़िया। और हाइट की बात करें, मेरी हाइट के हिसाब देख सकते हो आप कि मैं 6 फुट का हूँ, बड़े कंफर्टेबली बैठ पा रहा हूँ, हाइट भी काफ़ी बढ़िया है गाड़ी में। ये हैंड ग्रैब भी दे रखी है गाड़ी में। तो गाइज अब बात करें बाकी चीज़ों की, तो बाकी चीज़ों को बताऊँ तो अगर आपको शीशे नीचे करने हैं गाड़ी के, तो उसके लिए बटन आपके हाथ में नहीं है या इस एरिया में दे रखा है, ये बटन यहाँ पे दे रखे हैं, आपको वहाँ से यूज़ करने पड़ेंगे। ये स्पेस भी दे रखा है कुछ रखने के लिए। और इवन यहाँ पे ड्यूल USB चार्जर पॉइंट दे रखे हैं, तो आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो बड़े फास्ट तरीके से। एक ये स्पेस दे रखा है अगर आपने कुछ अपना एक्स्ट्रा सामान रखना है उसके लिए भी, ठीक है। और बाकी लेग स्पेस की बात करूँ तो लेग स्पेस भी काफ़ी बढ़िया है, ये लगा लो बिल्कुल कम्फर्टेबली बैठ सकते हो, स्पेस काफ़ी बढ़िया है, तो ये चीज़ भी बढ़िया है गाड़ी में। और बाकी ये था पीछे साइड का एरिया, अब चलते हैं फ्रंट रो में। तो चलो आपको फ्रंट रो की सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो गाइज अब आ गए हैं गाड़ी के फ्रंट रो में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ चाबी, ये है चाबी गाड़ी, टिपिकल सिट्रन डिज़ाइन का लोगो है चाबी में। और नॉर्मल एक लॉक और अनलॉक का बटन है, गाड़ी के साथ मिलेंगे आपको दो चाबी। तो गाइज चलो गाड़ी का इग्निशन ऑन करते हैं। तो इग्निशन ऑन करते ही सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाए तो डिजिटल मीटर है गाड़ी में। और बाकी स्टेयरिंग की बात की जाए, स्टेयरिंग में आप देख सकते हो स्टेयरिंग भी काफ़ी बढ़िया है, डी कट स्टेयरिंग आपको मिलेगा। और स्टेयरिंग भी आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, ये भी चीज़ काफ़ी बढ़िया है। और नेक्स्ट बात की जाए ऑडियो सिस्टम की,
तो ऑडियो सिस्टम का आपको बताऊं तो इसमें दे रखा है आपको 10 इंच का टच स्क्रीन ऑडियो सिस्टम, जिसके साथ मिलेंगे आपको 4 स्पीकर जो दो फ्रंट में लगे हुए हैं, दो बैक साइड लगे हुए हैं। और ऑडियो सिस्टम की बात की जाए उसमें बेसिक फीचर हैं एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल आर कार प्ले, वो सब आपको मिलेंगे। और गाड़ी में है दो एयरबैग, एक एयरबैग ये रहा, एक एयरबैग ये रहा। और फ्रंट की बात की जाए तो एसी आपको मिलेगा मैनुअल, और जिसमें आपको मिलेगा ये यूएसबी पॉइंट है, ये चारों इंडिकेटर के लिए है, ये 12 वोल्ट चार्जिंग पॉइंट का है। और यहाँ पे आप स्पेस देख सकते हो, स्पेस भी काफ़ी बढ़िया दे रखा है, स्टोरेज एरिया भी काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे भी आप काफ़ी सामान रख सकते हो नीचे भी, और यहाँ पे भी दो ग्लास होल्डर दे रखे हैं। और नेक्स्ट अब बात की जाए दरवाजों के स्पेस की, तो दरवाजों में भी आप देख सकते हो काफ़ी स्पेस दे रखा है, उसमें भी आप काफ़ी सामान रख सकते हो। और एसी वेंट की बात की जाए तो आप एसी वेंट देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया प्रीमियम लुक में दे रखे हैं, तो ये चीज़ भी काफ़ी बढ़िया है। और मैंने बात की कह रहे कि एसी वेंट का फ्लो भी काफ़ी बढ़िया है, आप देख सकते हो फ्लो काफ़ी बढ़िया है, तो पीछे भी हवा काफ़ी बढ़िया तरीके से जाएगी। और इस एरिया की बात की जाए तो इस एरिया में आप देख सकते हो ये सबसे बढ़िया चीज़ लगी मुझे गाड़ी में, ये मतलब थोड़ी एक हार्ड लुक देती है गाड़ी को, तो इसको भी आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो, या तो आप ऑरेंज ले सकते हो और अदर कलर्स भी अवेलेबल हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। एक ये एरिया काफ़ी बढ़िया है, ये भी थोड़ा स्टोरेज के लिए है, ये भी काफ़ी बढ़िया है। और साइड मिरर की बात की जाए तो साइड मिरर आप मैनुअल एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। और वाइजर की बात की जाए तो ये आप देख सकते हो ये है, और इस वाले में आपको मिरर दे रखा है। और ये है ग्लो बॉक्स, ग्लो बॉक्स में भी काफ़ी स्पेस है, यहाँ पे तो कम है बट यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस दे रखा है। और लेग स्पेस भी आप देख सकते हो, स्पेस भी काफ़ी बढ़िया दे रखा है, सीट मैनुअल एडजस्ट होएंगी, और इवन ये वाला भी आप एडजस्ट कर सकते हो मैनुअली अपने हिसाब से। और नेक्स्ट गियर की बात की जाए तो गाड़ी में है 5 गियर का ऑप्शन, और एक दो चीज़ें और दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था बटन्स ये वाले यहाँ पे दे रखे हैं, पिछले वाले शीशे अगर आपको नीचे करने हैं तो यहाँ से सेट करने पड़ेंगे। और एक चीज़ और है, अगर आपको पिछले शीशे लॉक करने हैं तो उसका बटन यहाँ पे है, और एक ये दे रखा है, ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो गाइज यही था पूरे गाड़ी का ओवरव्यू, जो जो फीचर थे, जब सब चीज़ें थी, ए टू जेड मैंने आपको दिखा दी। तो नेक्स्ट अब बात करें जाए इंजन की, तो इंजन है इसमें 1198 सीसी का, 1198 सीसी, और पावर है 80 bhp की, टॉर्क है 115 Nm की। और बाकी गियर का मैंने आपको बता दिया, 5 स्पीड मैनुअल गियर है। और एवरेज की बात की जाए तो गाड़ी की एवरेज है 19.8 की। और प्राइस की बात की जाए, सबसे मेन जो चीज़ है प्राइस की बात की जाए तो स्टार्टिंग प्राइस है 5.71 और वो जाता है 8.05 तक, ये प्राइस है एक्स शोरूम का। तो गाइस चलो अभी के लिए चलते हैं, और आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।